जैसे कि आप लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, जो क्वेश्चन आप लोग को निकालते हैं, यदि कोसेक थीटा बराबर रूट टेन हो तो से थीटा का मान ज्ञात करना। इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो ये काम त्रिकोणमितीय रेशियो के अनुसार से बनाते हैं इस टाइप प्रकार का क्वेश्चन को। जैसे कि हम लिखेंगे इसको हल में, हल में क्या लिखेंगे हम इसको, दिया हुआ उसके बट्टे में हम क्या कर देंगे, वन कर देंगे। और कोसेक थीटा बराबर होता है कि आप लोग सभी लोग जानते होइएगा, एच बट्टे पी होता है कोसेक थीटा बराबर। अब देखिए तो दिया हुआ है हम एच बराबर क्या लिखेंगे आप, रूट अंडर दस, एक अचर पद हम इसमें के लगा दे रहा है। इसी प्रकार से फिर पी बराबर लिखेंगे वन के, और बी बराबर हमें मालूम नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, बी निकालने का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जो फॉर्मूला होता है बी बराबर होता है क्या, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। ये जो आता है कहां से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय है ये जो है, जो पाइथागोरस प्रमेय है। अब चलिए ये तो हो गया, अब इस पर हम निकालेंगे कैसे, देखिए कि हम इसको फिर अंडर रूट बनाए और एच बराबर मेरे पास है रूट अंडर टेन के का स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू वन के का स्क्वायर है, ये हो गया। रूट अंडर दस के का स्क्वायर करेंगे तो दस के स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर हुआ, और हम इसको घटाएंगे तो नाइन के स्क्वायर प्राप्त हुआ। और नाइन के स्क्वायर को थ्री के इंटू थ्री के लिखेंगे, बाहर निकालेंगे तो थ्री के प्राप्त हो गया। देखिए हमारा जो बी बराबर क्या प्राप्त हो गया, थ्री के। अब प्रश्न कह रहा है हमें, अब यहाँ पर फिर देखिए ये तो यहाँ पर हो गया, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से सेक थीटा का मान निकाला है। क्या चीज का मान निकाला है, देखिए सेक थीटा का मान निकालने के लिए बोला है। सेक थीटा बराबर होता है क्या, यच बट्टे भी, तो यच का मान मेरे पास क्या है, रूट दस के है। और बी का मान जो यहाँ से अगर हम देखते थ्री के निकाले तो फिर हम बी का मान थ्री के लिख देते, ऐसे क्या कैंसिल हो गया, सेक थीटा बराबर आ गया क्या मेरे पास, रूट टेन वाई दस। ये देखिए इसका ये सॉल्यूशन पूरा हो गया। देखिए फिर से समझ लीजिए, दिया हुआ है हमारे जो क्वेश्चन में कह रहा है कोसेक थीटा बराबर रूट दस दिया हुआ, तो रूट दस दिया हुआ, इसको बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा पी क्या क्या एक लिख दिए। और कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, एच बट्टे पी, एच बट्टे पी के फॉर्मूला से हम इसका प्रयोग किए, एच बराबर लिख दिए टेन के अंडर रूट में और पी बराबर वन के, और बी वाला मालूम नहीं वाटे निकाल ले तो फिर हम यानी बी हम निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो देखिए एच बराबर तो मेरा दिया हुआ टेन रूट टेन के स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया फिर वन का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर टेन का रूट टेन का जब स्क्वायर करेंगे तो टेन आएगा, और के का स्क्वायर किया तो के स्क्वायर आ गया, और वन के का स्क्वायर किया तो वन के स्क्वायर आ गया। तो इसको हम घटाएंगे तो नाइन के स्क्वायर हमें मिल गया। और जब नाइन के स्क्वायर को हम अंडर रूट में थ्री के इंटू थ्री के लिखते हैं अंडर रूट में, जब दो को कोई संख्या आती है तो एक बाहर निकलती है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ एक थ्री के बाहर निकाल दिए। और जब थ्री के बाहर निकल गए तो हम बी की जगह थ्री के लिख दिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न कर रहा है सेक थीटा को मान निकालने के लिए, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, एच बट्टे बी, तो एच बट्टे बी, तो एच के मान हमको यहाँ क्या मिला हुआ है, टेन के मिला हुआ है, और बी का मान जो हम निकाले थ्री के, तो बी बट्टे और एच हम लिख दिए दोनों, और के से के को क्या कर काट दिए यहाँ क्रॉस कट के काट दिए दोनों को, और सेक थीटा बराबर रूट दस बट्टे तीन जो हमें प्राप्त हो गया, यही ना निकालना था। तो डेट सोल्व, क्वेश्चन सोल्व हो गया, हल हो गया।